नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। रिको कंपनी के कर्मचारियों को लाकर डाउन के बाद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कंपनी प्रशासन ने कर्मचारियों को बिना किसी कारणों के चलते बर्खास्त कर दिया। यूनियन के महासचिव सतपाल ने बताया कि प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है। हम सभी सरकारी कार्यालयों में उसके संज्ञान में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इस भाजपा सरकार ने मजदूरों को बर्बाद करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कंपनी ने 120 कर्मचारियों को बाहर निकाल रखा है। कितने दिन से चल रही है आपकी? आज एक दिवस की है क्या? किस लिए स्ट्राइक चल रही है? हम लोग तो बाहर कर दिया, छटनी कर दिया। कितने दिन से? लॉकडाउन के बाद हम लोग निकाल दिया। कितने साथी हैं आप लोग? 120। हमें ज्ञापन वगैरह दिया आप लोगों ने? ज्ञापन वगैरह दिया किसी को? हाँ, सबको ज्ञापन दिया। एक सौ बीस मजदूरों को बाहर निकाल दिया है और सभी परमानेंट साथी है। अच्छा, नोटिस के बाहर किया और किसी को 5 लाख 6 लाख खाते में डाल के ऐसे ही कर दिया। नोटिस का तो इससे आगे क्या उद्देश्य आपका, मतलब क्या करना चाहेंगे आप? उद्देश्य ये, हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी हटेंगे, हमें नौकरी चाहिए। तो देखिए, ये रिको कंपनी के एम्प्लॉइज है धारवाड़ा प्लांट से, जिनको 120 साथियों को बाहर निकाला गया है और इन नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसके एवज में हम सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। प्रेम कुमार बहुत, बीपीए न्यूज़, हरियाणा। थैंक यू भाई सर।